इंडिया ने मंगलयान मिशन चालू किया, पर स्पेसएक्स के मिशन में एक प्रॉब्लम था कि मार्स और अर्थ यानी कि पृथ्वी और मंगल के बीच में का अलाइनमेंट यानी कि स्थिर होना, यानी एक डायरेक्शन में रॉकेट को लेके जाना। अगर मार्स कॉलोनाइजेशन यानी मार्स के ऊपर इंसानी वसाहत को बसाना है तो मंगल और पृथ्वी एक ही डायरेक्शन में यानी कि एक ही रेशा में आने काफ़ी ज़रूरी है। स्पेसएक्स ने अगेन यानी कि फिर से अपने प्रोजेक्ट्स शुरू कर दिए हैं। स्पेसएक्स ने अपने कुछ शिप्स को टेस्ट किया है। मार्स के ऊपर होने वाला पहला मिशन अनमैन्ड होगा, यानी कि इसमें कोई भी इंसान नहीं होगा। इस मिशन में दो कार्गो शिप्स मार्स की तरफ बढ़ेंगी और इन दोनों कार्गो शिप्स के अंदर एक मिनिएचर पावर रिएक्टर होगा और इसके अंदर एक एटमॉस्फेरिक प्रोपेलेंट प्लांट होगा जिसमें ऑक्सीजन और मीथेन क्रिएट किया जा सकता है आर्टिफिशियली। स्पेसएक्स का और एक प्लान है जिसमें वो चंद्र पर यानी कि मून पर कुछ लोगों को भेजकर, एस्ट्रोनॉट को भेजकर, वो फ्रोजन लिक्विड यानी कि फ्रोजन पानी की तलाश में उन्हें नियुक्त करेगी, यानी कि फ्रोजन पानी ढूंढने के लिए उन्हें अपॉइंट करेंगी। जैसे ही मून के लिए यानी चंद्र के लिए लूनर स्टारशिप टेस्ट हो जाएगी, वैसे ही मिशन लूनर स्टारशिप स्टार्ट हो जाएगा। इस मिशन का उद्देश्य है कि चंद्र पर अपना बेस कैंप बनाना और उस बेस कैंप के ज़रिए एस्ट्रोनॉट्स चंद्र पर काफ़ी समय तक रह पाएंगे। पर हम चांद पर हमेशा नहीं रह सकते क्योंकि ये रिस्की भी है, क्योंकि चांद का टेम्परेचर अर्थ के टेम्परेचर से कम है। और जैसे ही मार्स टेस्ट के रिजल्ट हमारे सामने आएंगे, तभी स्पेसएक्स टीम को अपने अगले मिशन के लिए कंफर्मेशन मिल जाएगा। फिर कंफर्मेशन मिलने के बाद स्पेसएक्स मार्स पर ढेर सारे सोलर पैनल्स लेके जाएंगे और उसके साथ साथ कुछ माइनिंग रोबोट्स यानी कि खुदाई का काम करने वाले रोबोट्स भी शामिल होंगे। जैसे ही खुदाई का काम कंप्लीट हो जाएगा, तभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरह ही हमारे लिए यानी ह्यूमन के लिए मार्स पर रहने के लिए जगह बन जाएगी।